हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ मेघा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या चल रहा है, कैसे हो, बताया करो यार। ओके, सो आज की मैं ये वीडियो स्पेशल 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 आपके लिए बना रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी। सो यार, आज मैं ये बात करने लगी हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स होंगे और बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लाइक उन्हें हेट भी नहीं होगा एनिमल से और ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते होंगे, बिकॉज होता है कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, कुछ लोगों को पसंद होते हैं। सो मैं बस एक लिंक ज्वाइन करना चाहती हूँ दोनों के बीच में कि एक बैलेंस बना के हम लोग कैसे चल सकते हैं और फिर भी हम एनिमल हेल्पिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मी बीइंग अ छोटा सा एनिमल लवर, सोसाइटी में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, और जितनी सी मुझे नॉलेज है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। सो जितना सा मैं हेल्प कर पाऊँगी, आई वुड लाइक टू ट्राई। सो फर्स्ट फॉर बीइंग कि हम एनिमल लवर्स कैसे टू द बेस्ट एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एनिमल अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो एनिमल अडॉप्ट नहीं करते, बाय करते हैं। तो बीइंग अ एनिमल लवर, हमें खुद को ये पता होना चाहिए कि एनिमल अडॉप्शन इज़ द बेस्ट वे। एनिमल्स को बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रीडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ब्रीडिंग के सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उन्हें घर नहीं मिल पाता यार, उन्हें घर की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें शेल्टर्स की ज़रूरत होती है, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्शन इज़ द बेस्ट। अगर आप एनिमल लवर हो, प्रमोट अडॉप्शन। सो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अडॉप्ट कहाँ से करें। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे यार एनजीओ ज़रूर होते हैं, या तो हम स्ट्रीट से डायरेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो हम किसी एनजीओ से कॉन्टैक्ट करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ से एनिमल्स अडॉप्ट करें, या फिर तो किसी एनिमल लवर से पूछ लो। जैसे मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर देते हैं और मैं आगे आगे लिंक बता देती हूँ। जैसे मैं एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगी, मैं सोलन में रहती हूँ, हिमाचल में, वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एनजीओ एहसास, मैं उन्हें बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगी। मैं उसकी एक छोटी सी मेंबर हूँ, मैं कभी कुछ कर नहीं पाती हूँ, बट विद दिस वीडियो मैं उन्हें एक शाउट आउट देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मच फॉर एनिमल्स। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड आई विश कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, और भी लोगों को जोड़ पाऊँ एंड और भी लोग ऐसी हेल्प कर पाएँ। तो ऐसे जैसे मेरे यहाँ पे एहसास एनजीओ है, आपके यहाँ पे भी बहुत सारे एनजीओज होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एनिमल हेल्पर्स होंगे, जो ट्रीट करवाते होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उन्हें ढूंढो और उनसे लिंक बनाओ, उनकी हेल्प करो। सो अडॉप्शन का ये मेथड भी हो सकता है। सो जैसे मैंने एहसास एनजीओ की बात की, मैं उनके वर्क की कुछ पिक्चर्स कनेक्ट करूँगी इस वीडियो में, सो दैट मैं भी शायद आपको मोटिवेट कर सकूं, जो एनिमल लवर्स नहीं है या एनिमल लवर्स हैं, मैं भी उनको मोटिवेट कर सकूं टू डू बेटर थिंग्स। तो अभी मैं पिक्चर्स कलेक्ट कर रही हूँ। वो सब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये सारा काम हम सब कर सकते हैं, छोटा सा ही तो काम करना होता है। प्यार करो, केयर करो, थोड़ा सा फूड दे दो, एक शेल्टर दे दो, बस। देन अगर अडॉप्ट नहीं कर सकते तो मोटिवेट करो लोगों को टू डू गुड थिंग्स, कि किसी कोई अगर एनिमल इंजर्ड हो उसकी ट्रीटमेंट करवा दो, लोगों को एनिमल लवर्स बनाओ। अगर आप एनिमल लवर हो, लोगों को एनिमल लवर बनाओ, अपने दोस्तों को एनिमल लवर्स बनाओ, फैमिली को एनिमल लवर्स बनाओ, क्योंकि लव तो एक बहुत प्यारी फीलिंग है ना, और उसको स्प्रेड करना चाहिए। अपने तक क्यों रखना है लव को, जस्ट स्प्रेड, मोटिवेट, इनिशिएट, जस्ट बी अ लवली पर्सन, जस्ट बी अ एनिमल लवर। उनके लिए कुछ तो इनिशिएटिव लो, कुछ करो। तो एनिमल लवर्स तो वैसे भी आई थिंक कि बहुत एक्टिव होंगे एंड करते होंगे पार्टिसिपेट, और अगर नहीं करते हो तो डोंट वरी, आप किसी भी तरह से एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, चाहे लोगों को मोटिवेट करके हो, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस बना के हो, चाहे हेल्प करके हो,
बट प्लीज़ ये दिमाग में रखना कि ब्रीडेड एनिमल्स को ज़्यादा ज़रूरत है या स्ट्रीट एनिमल्स को ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ ये ध्यान में रखना। आपको खुद को पता है कि किन को ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन ब्रीड्स को बहुत ज़रूरत है आपकी हेल्प की, सपोर्ट की। जो स्ट्रीट में एनिमल्स अबंडन है उनको बहुत ज़रूरत है। लोगों को उनके लिए हेल्प करो, लोगों को बताओ कि इन्हें मारना नहीं है, इन्हें खाना देना है, इन्हें ऐसे छोड़ना नहीं है। प्लीज़ बीइंग एनिमल लवर आपका फ़र्ज़ बनता है। सो ये तो एनिमल लवर्स की बात थी, पर जो एनिमल लवर्स नहीं है, नॉर्मल लोग हैं जिन्हें एनिमल से हेट नहीं है, उन्हें इतना तो पता होगा कि एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है। सो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, प्लीज़ डोनेट कर दीजिए एनजीओज को, डोनेट कर दिए लोगों को। बहुत ज़रूरत होती है, उनके पास कोई ऐसा बहुत खजाना तो होता नहीं है जिससे वो ला के काम करते हैं। सो प्लीज़ अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, कर्मा के लिए डोनेट कर दो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए बर्थडे पे डोनेट कर दो, वैसे ही डोनेट कर दो जब उन्हें ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत होती है एनजीओज को। सो अगर हम नॉर्मली जाके एनिमल की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रीट नहीं करवा पा रहे हैं, उसे एक शेल्टर नहीं दे सकते, फूड नहीं दे सकते, तो हम डोनेट तो कर ही सकते हैं। चाहे उन्हें फूड डोनेट कर दो, कोई बात नहीं। अगर आपको पैसे डोनेट नहीं करने, उन्हें मिल्क डोनेट कर दो, मिल्क की ज़रूरत होती है फीडिंग के लिए। राइस डोनेट कर दो, या फिर एनजीओ से कॉन्टैक्ट कर लो उन्हें कुछ, बिकॉज डोनेशन से बहुत हेल्प हो जाती है। अब मेरी सिटी में स्टरलाइजेशन कैंपेन चला था, उस टाइम बहुत लोगों ने डोनेट किया एंड बहुत नहीं कर पाए बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी। तो प्लीज़ बी अवेयर, और अगर आप एनिमल लवर, अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर रखा करो कि हम इस टाइम कैंपेन चल रहा है तो हम इस टाइम डोनेट कर सकते हैं, इस टाइम अच्छा काम कर सकते हैं। जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो यार, बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, बताऊंगी कैसे अच्छा लगता है। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करना, एंड लाइक करना अगर पसंद आई हो, कमेंट करके बताना, एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।